जी हाँ दोस्तों, तो आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की टीम को चौथे T20 मुकाबले में हराकर सीरीज अपने नाम करने और वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला लेने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव कर दिया है। तो आखिरकार टॉस के बाद शुरू हो चुका है मुकाबला, तो क्या चल रही है मैच की लाइव अपडेट आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में से चौथा T20 मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके 3 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। हालांकि दोस्तों, जिस तरह से भारतीय टीम ने शुरुआत के 2 मुकाबलों में जीत हासिल की थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया तीसरे T20 मुकाबले को भी जीतकर सीरीज अपने नाम कर लेगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि तीसरे T20 मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल ने शतकीय पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में वापसी करा दी है और भारतीय टीम जीता हुआ मुकाबला हार गई। और तीसरे T20 मुकाबले में मिली हार के बाद अब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चौथे T20 मुकाबले के लिए टीम में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं, क्योंकि दोस्तों अब चौथे T20 मुकाबले को भारतीय टीम हर हाल में जीतना चाहती है। क्योंकि दोस्तों, अगर इस मुकाबले को ऑस्ट्रेलियाई टीम जीत लेती है तो फिर सीरीज में बराबरी कर लेगी और सूर्य कुमार यादव ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसलिए भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने के लिए अपना पूरा दमखम लगा देगी और इस मुकाबले में हमें दोनों टीमों के बीच बेहद ही रोमांचक और कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भी इस रोमांचक मुकाबले को लाइव अपने टेलीविजन पर देखना चाहते हैं तो स्पोर्ट 18 नेटवर्क पर दिखाया जा रहा है और अगर आपको इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग अपने मोबाइल पर देखनी है तो जियो सिनेमा ऐप पर आ रही है, जहां पर आप इस मुकाबले को बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 मुकाबला शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेला जाएगा। इस स्टेडियम में अभी तक कोई भी T20 मुकाबला नहीं खेला गया, इससे पहले सिर्फ एक ODI मैच खेला गया है। दोस्तों, बता दें कि शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम 2008 में बना था। इस स्टेडियम का नाम फ्रीडम फाइटर वीर नारायण सिंह जी के नाम पर रखा गया है। इस स्टेडियम में 60,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है और आज यहां पर पहला T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। दोस्तों, बता दें कि पिछले 3 मैचों में दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने काफी रन बनाए, लेकिन यहां पर बल्लेबाजों को चुनौती मिलने वाली है क्योंकि इस पिच पर गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिलने की पूरी संभावना है। इस स्टेडियम में घास भी है और ओस भी इस मैच में एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है, क्योंकि दूसरी पारी में ओस के चलते गेंदबाजी करना काफी मुश्किल साबित होता है। ऐसे में टॉस जीतकर यहां पर गेंदबाजी करने का फैसला सही माना जाएगा। वहीं दोस्तों, बात करें इस मुकाबले की, तो इस चौथे T20 मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते और पिछले मैचों में जो गलतियां हुई थी उनको सुधार कर टीम में कई बड़े बदलाव के साथ उतरने का फैसला लिया है। दोस्तों, अगर आपको इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बताएं तो यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। वहीं फिर मध्यम क्रम में नंबर 3 पर ईशान किशन, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर, जबकि नंबर 6 पर रिंकू सिंह को खिलाने का फैसला किया गया है, जबकि ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया। तो वहीं फिर गेंदबाजी में रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह और आवेश खान खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, यही होगी भारत की प्लेइंग 11 टीम, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे T20 मुकाबले में खेलती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, ऐसे में आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।